नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति, बात करते हैं आज के मुद्दे की। इसके नेता बीजेन्द्र सिंह राठौर से चुनाव जीतने के बाद की खास बातचीत। नमस्कार, मैं सलन पारासर, हमारे साथ मौजूद हैं बुंदेलखंड के कद्दावर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेन्द्र सिंह राठौर। चार बार विधायक, चार बार आप पहले जीते, पांचवी बार जनता का दिल जीता। एक बड़ी दिल जीतने वाली चीज है, बुंदेलखंड को काफी उम्मीद है आपसे, क्या कुछ आप मान रहे हैं? निश्चित रूप से जो है, जनार्दन का भी बड़ी कृपा रही और जनता जनार्दन का भी पूरा कृपा भी रही, आशीर्वाद भी रहा, और इन परिस्थितियों में लोगों ने पूरा भरोसा जताया, उसके लिए हृदय से पहले हम उनका सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बुंदेलखंड बड़ी तकलीफों के साथ गुजरा है, चाहे सूखा हो, चाहे ओले गिरे हों, चाहे अन्य मजदूरों की समस्या हो, बड़ी भारी समस्या बुंदेलखंड के लोगों ने झेली है। और बुंदेलखंड के एक छोटे से हिस्से लोगों ने विधानसभा में भेजा है, इसके पहले भी कई बार भेजा, और तमाम कमेटियों में सदस्य और चेयरमैन रहने का मौका भी विधानसभा की तरफ से मिला, तो हमेशा मैंने पूरे बुंदेलखंड की आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। जैसा कि कमलनाथ जी, बात पूरी हो ही नहीं पाई, हमेशा पूरा प्रयास किया है, और आपकी बार जो जवाबदारी हमारे क्षेत्र के लोगों ने सौंपी है, निश्चित रूप से प्राथमिकता तो पृथ्वीपुर की होना लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ विधानसभा में पूरे बुंदेलखंड की आवाज़ उठाने का निरंतर मैं प्रयास करूँगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी आपको मिल रही है, और दूसरी ओर बुंदेलखंड में बड़ा चेहरा है आप कांग्रेस की ओर से, अगर ऐसे में क्या कुछ जनता के लिए आप समय और सौगात, जैसे किसानों के लिए भी आपने लड़ाई लड़ी और वचन पत्र में भी ये चीज़ें सामने हैं, खनन के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में आपने चीज़ें उठाई, क्या कुछ चुनौती मानेंगे इन सब चीज़ों? देखिए, कयास पे तो हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि कयास तो पता नहीं क्या क्या लगते हैं, कयास तो ये भी था कि जीत नहीं सकते, जीत गए, कयास सरकार नहीं बन सकती, बन गई, कयास आपने कहा जनसंपर्क मंत्री बनाने का, हमें तो यही नहीं पता कोई मंत्री भी बना रहा है, तो ये तो सब बातें अपनी जगह ठीक हैं। बकाया एक विधायक भी बहुत जिम्मेदार पद होता है, और विधायक पद होने के नाते जितनी भी मेरे शरीर में ताकत होगी, पहले भी मैं खर्च करता रहा, अभी भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरी ताकत के साथ अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने बुंदेलखंड के लिए, और जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश के लिए पूरी ताकत से काम करने का मैं प्रयास करूँगा। और आम जनता की जो समस्याएं हैं, जिनका आपने इशारा किया है, जैसे अगर खिलाफ में आवाज़ उठाई है तो उसके आज भी वही आवाज़ चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी बड़ा डिसीजन, कर्नाटक की तर्ज पर अकेले कमलनाथ सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, ऐसे में कैबिनेट का विस्तार नहीं है, महागठबंधन का एक दिखा रहे हैं, तो मतलब क्या मानते हैं कि इन सब चीज़ों से क्या कुछ असर आएगा जनता के? नहीं, इस पर कोई असर आने का सवाल नहीं है। देखिए, ये तो आज अगर मान लीजिए सीएम अकेले ले रहे हैं, 3 दिन बाद 4 दिन बाद और उनका मंत्रिमंडल शपथ लेगा, ये तो सीएम का विशेष अधिकार है, और इससे आम जनता पे असर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर जो वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया, हमारे माननीय राहुल जी ने कहा कि 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ़ करेंगे, कमलनाथ जी ने भी कहा, सिंधिया साहब ने भी कहा, दिग्विजय सिंह साहब ने भी कहा, और भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, और इसके अलावा जो वचन पत्र में शामिल हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है, अपने नेताओं के ऊपर पूरा भरोसा है, खासतौर से कमलनाथ जी की जो शैली है, मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने 10 दिन का कमिटमेंट की है तो 10 दिन के अंदर उसको निभाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जैसा कि पूर्व की सरकार में, बीजेपी सरकार में, जिस तरह से रायशुमारी की तर्ज पर कैबिनेट का विस्तार होता था, एक जातिगत आंकड़ा भी देखा जाता था, इस बार जो सामने आ रहा है, जैसे आपको बड़े पद की एक उम्मीद है, बुंदेलखंड की जनता को चाहते कि आप जिम्मेदारी लें और चीज़ों को समझें, तो आप क्या मानते हैं कि यह जो मतलब जिस तरह सीएम की पद की दावेदारी रायशुमारी से हुई है, उसी तरह अगर बुंदेलखंड की जनता चाहती है कि आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिले, जिससे जो पिछड़ा बुंदेलखंड है वो एक विकास की गति पर आए? हम देखिए, बुंदेलखंड की जनता क्या चाहती है वो एक अलग विषय है, ठीक है, मैं तो जहाँ हूँ खुश हूँ, और आज से नहीं 20-25 साल, बुंदेलखंड की जनता तो आपको चाहती है, नहीं तो राय शुमारी में भी सामने देखिए देखिए अगर जनता की भावना होती है तो परमात्मा भी उस पर भावनाओं पर ध्यान रखता है, ठीक, अगर वो चाहती है तो हो सकता है हमारे नेतृत्व को ये बात आए। बकाया मैं अपनी तरफ से बिल्कुल इसमें परेशान नहीं रहता हूँ, हमारा नेतृत्व जो भी करेगा बहुत सोच समझ के करेगा, प्रदेश के हित में करेगा,
और मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो हम इस बारे में अभी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कोई भी होगा, अगर हम नहीं होंगे हमारा दोस्त कोई होगा और सारे मिलके जो है वो प्रदेश के हित में काम करेंगे और वचन पत्र को निभाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। आगे बुंदेलखंड की रायशुमारी के बाद जिम्मेदारी की बात जहां से जनता वहां सामने आ रही है, तो देखना ये होगा कि आगे रायशुमारी में क्या कुछ जिम्मेदारी आपको मिलती है और किस तरह उस जिम्मेदारी को चुनौती मानते हैं।